स्कूली शिक्षा में छात्राओं की वापसी के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाए जा रहे कन्या शिक्षा प्रदेश उत्सव अभियान से बेटियों को स्कूल तक लाने में सफलता मिल रही है। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की औपचारिक रूप से शिक्षा वापसी कराई जाएगी। करनाल में इस अभियान के तहत लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए अध्यापकों द्वारा विशेष सर्वे किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। करनाल के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान महामारी के चलते लड़कियों का स्कूल में प्रवेश काफी कम हो गया था, जिन्हें अब विशेष सर्वे कर वापस लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें उनकी आयु के अनुसार स्कूल में दाखिला दिया जा रहा है और बीच के अंतर को कम करने के लिए स्पेशल कोचिंग दी जा रही है। हिदायतों के अनुसार भी हम उन बच्चों को वापस स्कूल में लेकर के आ रहे हैं, और कुछ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जो कभी स्कूल में गए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी हमारी स्कीम है कि उन बच्चों को एज अप्रोप्रिएट एडमिशन हम देते हैं कि उनकी एज के मुताबिक वो किस कक्षा में होने चाहिए, और जो उनका गैप है सीखने की दर का जो गैप है, उसके लिए उन बच्चों की विशेष कक्षाएँ लगा रहे हैं। एक प्रकार का ब्रिज कोर्स हम लोग कराते हैं। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनके राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनकी शिक्षा पूर्ण करना सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसी संदर्भ में ये फैसला लिया है कि जो बच्चे कोरोना के कारण या किसी अन्य कारण से जो शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, उन सभी बच्चों को जो है वापस स्कूल में दाखिला दिलवा के उनकी कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन से एलिमेंट्री एजुकेशन से उसको पूरा किया जाए। छात्राओं ने बताया कि स्कूलों में उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और कॉपी किताबें भी मुफ्त दी जा रही हैं। और मैम में ना लोग वो कोविड में ना घर आए थे कि पढ़ो, कोविड में ना घर पे पढ़ा नहीं जाता था, अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी ना, इसलिए फिर मैम ने वो करा भाई पढ़ो अच्छे से। मैम टीज मिली हैं, और मैम जो है फ़ोन से भी हमें जो है पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी हमारी जो है क्लासेस होती थी, और मैम डेली फ़ोन